हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आईटीआई का इंतजार कर रहे थे, बिहार आईटीआई का, जिनका भी रिजल्ट हो चुका है, यानी कि रैंक कार्ड उनका रैंक आ गया है। ठीक है, रिजल्ट तो आ गया बिहार आईटीआई का, बट अभी तक काउंसलिंग डेट नहीं निकला था। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी को कि आपका काउंसलिंग डेट जो है वो निकल चुका है। ठीक है, कब से होगा काउंसलिंग आपका, ठीक है, कैसे कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है, आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में कितना रैंक है, तो आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में ही आपका नाम आ जाएगा, फर्स्ट राउंड में ही। इसका कितना राउंड निकलेगा, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ठीक है ना, ये सारी तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ को हम बिल्कुल समझाएंगे, और वो भी हम ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि आईटीआई बीसीईसी के तरफ से ये जो है वो नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, आपके सामने हम नोटिस को यहाँ पर दिखा देते हैं। नोटिस आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जो नोटिस है आपका, वो हम यहाँ पर नोटिस को डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार संयुक्त परीक्षा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ठीक है ना, ये जो नोटिस है आपका विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है विज्ञापन संख्या से। चलिए काम की बातें को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आईटीआई ट्रेड पाठ्यक्रम की सीटों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना। यहाँ पे कंफर्म हो लीजिए कि जो होगा काउंसलिंग आपका वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले काउंसलिंग होता था पटना के आईएएस भवन में, बट अब आपका बिल्कुल आप अपने नज़दीकी साइबर कैब से काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी यहाँ पर चीज़ें को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर मेन चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है, एस लिखे, ठीक है ना, आईटीआई का 2022 के परीक्षाफल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई कैट 2022 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर एवं जन्मतिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप जिनके पास रैंक कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो रैंक कार्ड अपना पहले डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, समय रहते, नहीं तो फिर आपका रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं होगा तो आपका एडमिशन होने में, काउंसलिंग होने में जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। देखिए इसके बाद में आगे है क्या लिखा गया है, आगे बी में कि ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग होगा। ठीक है ना, काउंसलिंग प्रक्रिया है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल आईटीआई कैट 2022 पर क्लिक करें, तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस भरने हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सूचनाओं की प्रविष्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपको देखो क्या करना होगा, यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी ने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन करें। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा, इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। ठीक है ना, लॉगिन करने के बाद आपको ट्रेड इंस्टीट्यूट एवं ट्रेड को च्वाइस करना है। ठीक है ना, कौन सा इंस्टीट्यूट आप चुनना चाहेंगे और कौन सा ट्रेड आपको चुनना चाहेंगे। ठीक है, तो च्वाइस भरने के उपरांत जो है वो अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने च्वाइस को एडिट कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि जब तक रहेगा जब तक आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने अनुसार कौन सा च्वाइस, कौन सा ट्रेड और कौन सा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको दिनांक रहते भर में हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है, एडिट कर सकते हैं दिए गए शेड्यूल के अनुसार जो है वो अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए च्वाइस से अगर असंतुष्ट है। ठीक है, अगर असंतुष्ट है तो च्वाइस को लॉक कर दें। ठीक है, अगर संतुष्ट है तो च्वाइस को लॉक कर दें। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना च्वाइस लॉक नहीं करते हैं तो उनका च्वाइस निर्धारित अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा काउंसलिंग के लिए, इसके बाद में जो है वो आपको लॉक करना होता है, सारी चीज़ों की जानकारी देने के बाद में लॉक करना होता है। अगर आप लॉक नहीं कर पाते हैं तो जो अंतिम तिथि होगा, ठीक है, अंतिम तिथि होगा जो अप्लाई करने का काउंसलिंग डेट का, वो खुद से आपका स्वतः जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक होने के बाद में आपको अकाउंट क्या किया जाएगा, यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ पे और भी चीज़ें दिए गए हैं, लॉक हो जाएगा, इसके बाद में जो है आप अपना उसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ नोट दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन और च्वाइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया जो है वो OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, आपको OTP वन टाइम पासवर्ड जो होता है OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वही मोबाइल नंबर दें जिसमें आप मतलब आपके पास में वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो OTP के माध्यम से ये सारी चीज़ें होगी जिससे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी किसी का भी को किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, पंजीकृत जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा वो कभी भी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो अंतिम रूप से जो भरे गए च्वाइस की जो लिस्ट होगी वो सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत जो है वो ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। ठीक है,
आपका किस कॉलेज में एडमिशन होगा, कौन सा ट्रेड आपको मिला है, वो सारा जो है वो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड मतलब कब तक किसका डेट है। देखिए यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया गया है, सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट 6/8/2022। ठीक है, आप अपना रैंक कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में देखिए यहाँ पे सेकंड में लिखा गया है कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के लिए जो है वो आप कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो 10/8/2022 यानी कि 10 तारीख से जो है वो आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट कब तक रहेगा इसका चॉइस फिल करने के लिए, यानी कि 16 तारीख तक, यानी एक सप्ताह जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह में आप इसको अपना 16 तारीख के पहले आप सभी लोग कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो पब्लिकेशन कब होगा, 21 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका किस कॉलेज में और कौन सा ट्रेड आपको मिला है। ठीक है, यानी कि आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा 10 तारीख से, कब तक होने वाला है 16 तारीख तक, और 5 दिन के बाद जो है वो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कि आपको किस कॉलेज में आपको मिला है। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद में डाउनलोड कितना दिन तक कर सकते हैं, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। अगर आप 27 तारीख के बाद आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर, तो आपको वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका भी डेट है यानी कि 21 से 27 तक आपका लास्ट डेट है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने का तिथि कब है, 22 तारीख से 27 तारीख के बीच। ठीक है, 22 से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आप 21 तारीख को आप अलॉटमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद में आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर, अगर आपके पास में ये नहीं मालूम है कि कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेगा, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है ना, या फिर हम इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड राउंड का। जो सेकंड राउंड आपका आएगा वो आएगा आपको 2/9/2022 को। ठीक है ना, इसको आप लोग 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में जो है वो डाउनलोड कर सकिएगा, और 3 तारीख से उसका भी एडमिशन हो जाएगा 9वां महीना में। ठीक है, यानी कि अगस्त सितंबर में जो है वो आपका हो जाएगा वो भी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट की बात अगर करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप लोग। देखिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक के सभी चीज़ ले जाना है। ठीक है ना, चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल से मिलता है, आवासीय प्रमाण पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, औपबंधिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, टेंथ का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सब का सब ले जाना है। इसके बाद में कॉपी ऑफ आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले जाना है, 6 फोटो ले जाना है, और ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना है ITI कैट का। ठीक है ना, ITI में जो एडमिट कार्ड था वो ओरिजिनल वाला ले जाना है। रैंक कार्ड आपको ले जाना है। ऑनलाइन काउंसलिंग है तो जो आप रजिस्ट्रेशन अभी जो किए थे उसका भी एक चॉइस फिलिंग जो करना था उसका एक चॉइस का स्लिप होगा, उसका भी एक प्रति ले लीजिए, उसका भी फोटो कॉपी, और डाउनलोडेड प्रिंट ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे पार्ट बी का, उसका हार्ड कॉपी आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति जो आप अभी डाउनलोड किए हैं कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होना है, उसका भी 3 कॉपी ले लीजिएगा। और द वेरिफिकेशन स्लिप यानी कि जांच पर्ची जो होता है वो भी आपको 2 कॉपी आपको चाहिए। ठीक है ना, बायोमेट्रिक के समय में ये आपको काम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब सारी चीज़ों को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें। तो ठीक है, अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आए, ठीक है, अगर कोई परेशानी हो रही है समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप पे अबाउट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप लोग हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा, जो लोग ITI का एग्ज़ाम दे दिए थे उनके पास में ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी सूचना कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।